हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। अब अगर बात करते हैं जहाँ पे वेस्ट इंडीज इस वक्त गजब का परफॉर्मेंस कर रही है, इंग्लैंड टीम जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा रही है। लास्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 10 रन से हरा दिया और सीरीज में 2 का लीड भी ले ली। अब बात करते हैं थर्ड T20 मैच की, जो कि खेला जाएगा 16 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ST George में। अब अगर बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां का पिच पूरी तरह सॉलिड है या स्लो हो सकता है, सिम्स बॉलर को यहां पे हेल्प नहीं मिलेगा। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल मैच 26 खेले गए हैं, जहां पे इंग्लैंड 10 मैच जीत के आ रही है तो वेस्ट इंडीज 16 मैच जीत के आ रही है। बात करते हैं इंग्लैंड का शॉट एनालिसिस करते थे, टीम की बैटिंग काफी वीक दिख रही है। अगर ओपनर की बात करें तो जहां पे फ्लिप सॉल्ट, जॉस बटलर ने लास्ट गेम में फ्लॉप थे, बटलर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, फ्लिप सॉल्ट 25 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो जहां पे विल जैक है जो थोड़े से रन बना रहे हैं, बेन डकेट लास्ट मैच में ड्रॉप हो गए थे। और राउंडर की बात करें तो जहां पे सैम करन टीम की स्ट्रेंथ है, लास्ट मैच में उन्होंने 32 बॉल में 50 रन मारा था। वहीं अगर लोअर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जहां पे हैरी ब्रूक है, लाइम लिमिन स्ट्रॉन्ग है, टीम के प्लस पॉइंट है। अगर इंग्लैंड को सीरीज में बने रहना है तो थर्ड मैच जीतना ही होगा एनी हाउ, टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर भी है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में विक दिखी थी, एक्सपीरियंस प्लेयर क्रिक वॉक्स ने 34 रन देकर एक विकेट लिया था, जहां पे बॉलिंग में गस्ट अटिक्सन को प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला था। टाइमन मिल्स फ्लॉप थे, अच्छे फॉर्म में नहीं देखे, उन्होंने 2 ही लिया था, जिसमें से टीम ने 3 स्पिनर बॉलर के साथ खेल रही, जिसमें मोइन अली लास्ट मैच में विकेट लेस थे, यहाँ पे उन्हें लीड करना होगा। वहीं अगर रहमान अहमद जो अब तक हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट मैच में उन्होंने बहुत मार पड़ी थी। वहीं आदिल राशिद भी लास्ट गेम में हिट थे, उन्होंने 11 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। सैम करन लगातार टीम के लिए इफेक्टिव है। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो जहां पे इंग्लैंड का की प्लेयर है, क्रिक वॉक्स है, सैम करन है, हैरी ब्रूक है। बात करते हैं दूसरी टीम वेस्ट इंडीज का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो लगातार 2 मैच जीत कर वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया T20 क्रिकेट में वो अभी भी स्ट्रांग है, उन्हें कमजोर ना समझे। और ये सभी टीम के लिए वार्निंग है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज भी प्रोबेबल दावेदार होंगे। इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम एक ओर से खेल रही है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। टीम के लिए ओपनर ब्रैंडन किंग ने लास्ट मैच में तहलका मचा दिया, उन्होंने 52 बॉल में 82 रन की इनिंग खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं काइल मार्श जो जरूर थे लेकिन फ्लॉप चल रहे थे। नंबर 3 पर जहां पे निकोलस प्रून को चांस मिला था लेकिन वो भी फ्लॉप रहे। नंबर 4 पर वाइस कैप्टन साई होप जो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। टीम की सबसे बड़ी वीकनेस हेटमायर का खराब परफॉर्मेंस, जो लगातार हर मैच में फ्लॉप दे रहे हैं, अगले मैच से वो बाहर हो सकते हैं। वहीं टीम के कैप्टन रॉन पॉवेल लास्ट मैच में 28 बॉल में 50 रन की फास्ट इनिंग खेली। वहीं एंड्रे रसल टीम के एक्स फैक्टर है, टीम की बॉलिंग अच्छी रही है, सभी बॉलर्स को विकेट लिए हैं। अगर किलर की बात करें तो ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने 27 रन देकर 1 विकेट लिया था। अकील होसन टीम के मेन बॉलर है, उन्होंने लास्ट गेम में अच्छा खेला और 24 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। वहीं एक्सपीरियंस बॉलर जहां पे अल्जारी जोसफ इस समय कंडीशन इफेक्टिव हो सकते हैं, उन्होंने 3 विकेट लिए थे। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे गुडास्केन मोटी जो लास्ट गेम में चांस मिला था। अब अगर बात करते हैं वेस्ट इंडीज का की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एंड्रे रसल है, सिमरन हेटमायर, निकोलस पुरन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर इंग्लैंड होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।